समाज को बचाने की बारी आती है तो ये नेता गायब हो जाते हैं, ये सीएम, डिप्टी सीएम, कोई भी सरकार गायब हो जाती है। मुखिया जी की हत्या हुई है गोपालगंज के थावे। जी 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 भाई, मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे कम से कम इसको टेक्निकल ग्राउंड पे इसको देखने, शूटर कोई और है, मरवाया कोई और है, तो दोनों का कम से कम कैसे परिस्थिति जन क्या है इसको तो मतलब निकालना बहुत जरूरी है। मैं हूँ अयाज। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव गोपालगंज पहुँचे हुए थे। गोपालगंज में एक मुखिया की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों से वो मिलने यहाँ उनके घर पहुँचे हुए हैं। आइए बताते हैं कि क्या कुछ पप्पू यादव ने यहाँ पर पहुँचने के बाद बातचीत किया है। अब तेजस्वी यादव जी का इलाका था, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि पूरा इलाज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होगा। आप कम से कम तेजस्वी जी यदि अस्पताल चले गए होते और वो IGMS में एडमिट करा करके पूरा सरकारी खर्च ले लिया होता तो समाज में जो कुछ लफुए उचक्के या दबंग लोग, पैसे वाले लोग जो जातीय उन्माद फैलाकर अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, MP MLA, उन लोगों को ये मौका नहीं मिलती। तो हम गलती करने का मौका देते जा रहे हैं और समाज को हम तोड़ते जा रहे हैं। जो आम आदमी है, जो कमज़ोर तबके के दलित या वंचित या मुसलमान या गरीब गुरबा आदमी है, वो तो कम्प्लीट रूप से आइसोलेट होता चला जा रहा है, वो उसकी उम्मीदें ख़त्म होती चली जा रही है, सरकार पर विश्वास उठता चला जा रहा है। तो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी आप घर से नहीं निकलिए, चलिए आप कटिहार नहीं गए कोई बात नहीं है, चलिए आप सासाराम और भभुआ नहीं गए कोई बात नहीं है, मशरक में 112 लोग मर गए जिसमें सबसे ज़्यादा यादव दलित मुसलमान थे, उसमें नहीं गए कोई बात नहीं है। लेकिन जब समाज टूट रहा हो और कंप्लीट रूप से तोड़ने में BJP लगी हुई है कि कंप्लीट कहीं ना कहीं आग लगे और सब नफरत, अब एक ब्राह्मण भूमिहार समाज जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो भी कह रहा है कि हम इस लड़ाई में घी का काम करेंगे, वो भी आ गया, उस पर भी बैठ नहीं कर रहे हैं। एक कौन यादव सेना है, वो भी गाली गलौज शुरू कर दिया। करनी सेना, पहले भी मैंने कहा था आपको कि मधुबनी में जब भूमिहार राजपूत का झगड़ा नरसंहार हुआ था तो उसमें करनी सेना बाप बाप कर रहे थे, तब भी मैंने उसको कहा था ये बिहार है, ये राजस्थान नहीं है। फिर छपरा में वो आगे 400 मोटरसाइकिल लेकर के, जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी का हत्या हुआ तो हत्या हुआ व्यक्ति का, मारा व्यक्ति, तो इसमें ना राजपूत समाज आता है ना यादव समाज आता है। अब कितना समझाया जाए कि राजपूत हो या यादव हो या गुज्जर हो या जाट हो, तो जरा हम राजपूत भाई और यादव से पूछना चाहते हैं कि खाली जो नाटक करते हो, कृष्ण को यादव मानते हो, इधर अर्जुन को राजपूत, तो दोनों रिश्तेदारी है तो बाप बाप काहे करते हो राजनीति के लिए? ना न्याय हो पाता है, ना सुरक्षा हो पाता है, आज तक का इतिहास नहीं रहा। सबसे ज़्यादा लालू यादव जी इस इलाके में छपड़ा में, यदि लालू यादव जी की राजनीति शुरुआत हुई तो समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के बीच से शुरुआत हुई, जिसमें लालू यादव जी को राजपूत समाज के लोगों ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की। सबसे बड़े तौर पर यादवों के बाद मुसलमानों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब हम आते हैं, जब हम आज मुखिया जी की हत्या में आए, कभी भी हमने इस इलाके में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, सरकार के दोनों मुखिया में किसी को ट्वीट करते भी नहीं देखा, ना हमने संवेदना देखी। अब जैसे इस इलाके में आप उठा के देख लीजिए, अभी इस घटना के पहले छपड़ा में घटना घटी, अति गोपालगंज में, उसको BJP के नेताओं ने पुरजोर हिंदू मुसलमान का कलर देने की कोशिश की। विजय सिन्हा आए, इसी मीरगंज में कई बार घटना घटी, हम आ करके यहाँ गए, हमने मदद करके हम गए, आज तक सही में जस्टिस नहीं मिल पाया। बगल में मुखिया जी की घटना घटी थी, हम 12 घंटे के अंदर आए थे, जब उसका लाश भी जला था, आज भी मिट्टी पड़ी है। तो जब
समाज को बचाने की बारी आती है तो ये नेता गायब हो जाते हैं, ये सीएम, डिप्टी सीएम, कोई भी सरकार गायब हो जाती है। लेकिन जब दुकान चलाने की बारी आती है, राजनीति की दुकान और सत्ता और सियासत की बारी आती है, तब वहाँ पर इन लोगों को यादव, राजपूत, भूमिहार, हिंदू मियाँ, बड़ा सवाल है हमारा इस घटना के बाद। एक घटना घटी, क्या इस घटना के बाद ऐसा नहीं है कि मुखिया जी नहीं मरेंगे? अभी हम जस्ट शिवहर में 9 मुखिया मरे हैं, जिसमें हम सभा 3-5 दिन पहले करके गए हैं पूरी शिवहर के। अभी एक अत्यंत पिछड़ी जाति की मुखिया थे, कौन राय, जगदीश राय की हत्या की गई, उसमें हम गए। अभी एक सबसे गरीब मुखिया था बेगूसराय में, जिसको गोली मार दिया, दोबारा मुखिया बने थे, 7 गोली मार दिया। वहाँ से लौट के आए तो छपरा की घटना घट गई। मैं 2-3 बात हमको समझ में नहीं आया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, हम बचपन से 90 के पहले, हम 83 में मुखिया बने थे, उसके पहले से हम आते हैं, हम आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि इस इलाके का समाधान जातीय ही क्यों है। इस इलाके का समाधान हिंदू मुसलमान या ऊंची जात या गैर ऊंची जात ही क्यों है, और ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे, इसको मान के चलिए कि इस बड़े तनाव के पीछे सिर्फ राजनीति की दुकान है और सियासत है। इसके अलावे मेरी समझ साफ है, जितना मैं जानता हूँ समाज को, अभी जो लगातार बिहार में अभी छपरा की घटना घटी, किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को मारा, जिसके बाप को या जिसके दादा को मारा, उसमें अयूब खान की भूमिका भी थी। अयूब खान ने पहले भी कई भूमिका निभाई, गलत किया, उसमें दो जो लाइनर थे वो राजपूत समाज के लड़के थे। घटना कब घटी, उसके बाद जो मुखिया जनप्रतिनिधि विजय यादव के द्वारा घटना घटित हुई या उसकी जांच पूरी, एफआईआर हुआ, वीडियो वायरल हुआ, क्यों गए क्यों नहीं गए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो घटना घटित हुई वो अमानवीय था। मैं पहला दिन ही अस्पताल में जाकर के उस परिवार को 50,000 रुपया, ताकि उसका इलाज हो सके, बच सके, और अस्पताल के मालिक को हम कह के आए थे कि 1 रुपया इस पर खर्च नहीं होनी चाहिए। प्रणाम भाई मेरे, आप अच्छे हैं। मैं अपने भाई को 2 कष्ट देना चाह रहा हूँ। एक मुखिया जी की हत्या हुई है गोपालगंज के थावे। जी भाई, मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे, कम से कम इसको टेक्निकल ग्राउंड पे इसको देखने, शूटर कोई और है, मरवाया कोई और है, तो दोनों का कम से कम कैसे परिस्थिति जन क्या है, इसको तो मतलब निकालना बहुत जरूरी है। जी बहुत अच्छा भाई मेरे। दूसरा चीज़ कह रहे थे छपड़ा वाले में जो लोग अर्दर बकते हैं ज़बरदस्ती, हम तो पहले दिन जो घटना घटी थी तो उसी दिन जा करके हम, जो लड़का एडमिट था तो उसको हम 50,000 रुपया मदद किए थे, और उसके बाद हमने वहाँ के मालिक को कह दिया था कि बाबू किसी भी कीमत पर पैसा नहीं लगे, जो लगेगा हमसे तुम बोलना। और उसके बाद हमने उसी दिन भी कह दिया था, SP साहब आपने तो एकदम जो एक्शन लिया है वो तो कोई नहीं ले सकता, इतना पूरा का पूरा वो घटना जो। लेकिन बाद में जो ये करनी सेना 200-300 मोटरसाइकिल के आके दो महिलाएं हार्ट अटैक हो गया, जल गया, वो उसको नहीं देखिएगा तो उन लोगों का तो मनोबल फिर बढ़ेगा। तो इधर तो हो गया, साला की आज गिरफ्तारी हुई है और घर तर तो ढाई दिया गया, तो उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन एक होता क्या है कि लोग, अब ये लोग जिस तरीके से, अब वो कौन ब्राह्मण भूमिहार नेता जी, वो जो सोशल मीडिया वाला है ना, एक तो जादव सेना है, कोई जादवी सेना कौन है, वो संतोष रेणु क्या, उसको भी FIR लॉन्च करना चाहिए।
नहीं नहीं भाई, मेरे उस पर भी FIR लॉन्च करके उस पर लेना चाहिए। वो गाली गलौज माँ बहन करता है, ये सही नहीं है, एकदम बहुत बुरे तरीके से करता है। एक दो ठो और लड़का है, इधर से भी 10 लड़का है जो गाली गलौज करता है, एकदम जरूरी है भाई मेरे। हम तो, हमको बता दीजिएगा कि हम जाके दोनों परिवार को, हम सोचते हैं कि 1-1 लाख रुपया मदद कर दें जाके, तो किस दिन जाएंगे तो आप हमको कह दीजिएगा। मेरा प्रश्न जी, ठीक है तो 12 के बाद हम चले जाएंगे, तो आप वही हम सोचे भाई से बात कर लें। इस मामले में, मुखिया जी के मामले में जो दो चीज़ आपके नॉलेज में आ ही गया है जी। जी ठीक है, तो 12 को हम एक बार भाई से बात कर लेंगे, तब हम 13 को जाएंगे वहाँ। ठीक है भाई, ठीक, प्रणाम। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि पप्पू यादव यहाँ उनके परिजनों से मिले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में आपराधिक घटने अब बढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन उन्हें इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग बिहार में मारे जा रहे हैं। ऐसे में वो यहाँ से मिलकर जल्द उन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया और कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और तुरंत उन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए।